आमदनी इतनी है नहीं है, कारोबार भी बंद है, सब परेशान में है, जिनकी नौकरी है उनकी भी चली गई है। हर बार तो बढ़ा देते, कभी 50 कभी 100 कभी कितने बढ़ा दिए, कम तो करते नहीं है। पब्लिक के लिए बहुत नुकसान वाली बात है, बजट पे बहुत असर पड़ेगा इससे। जनता पिसती है, बहुत महंगाई होती जा रही है। चूल्हा जला ले वो अच्छा है, गैस जो है हम सब जो है दे दें उनको, सरकार को ही दे दे। सभी को होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। सभी को होली और दिवाली पर एक एक गैस सिलेंडर फ्री में देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये शब्द हैं हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह की, और ये वीडियो 15 फरवरी 2022 की है, यानी आज से करीब एक साल पहले की, जब अमित शाह औरैया में होली और दिवाली पर फ्री में एक एक सिलेंडर देने की बात कर रहे थे। और अब होली भी नजदीक आ चुका है, 8 मार्च को ही होली है, और उम्मीद है कि आप लोगों के घरों में एक एक सिलेंडर फ्री में तो पहुंच ही चुका होगा। अच्छा नहीं पहुंचा, हो सकता है रास्ते में होगा, पहुंचने ही वाला होगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। वैसे आपको क्या लगता है कि आपको फ्री में सिलेंडर मिल जाएगा? अमित शाह ने जो वादा किया था वो पूरा करेंगे? हो सकता है ये चुनावी वादा हो, और सच पूछिए तो एक एक सिलेंडर मुफ्त में बांटने का वादा चुनावी ही था, क्योंकि फ्री में सिलेंडर मिलने की बात तो बहुत दूर की है। उल्टे होली से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हां, होली से ठीक पहले तेल कंपनियों ने घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 350 रुपए का इजाफा कर दिया है। इस पर अब विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर तंज कसा है, तो वहीं आप नेता संजय सिंह ने गृह मंत्री के उस वादे का वीडियो शेयर किया है जिसमें साल में 2 सिलेंडर फ्री में देने की बात कही गई थी। आप नेता संजय सिंह ने 2 वीडियो शेयर करते हुए लिखा, एक होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा, दूसरा होली का तोहफा 50 रुपए और 350 रुपए महंगा। उसके बाद तंज कसते हुए लिखा, अब आप राष्ट्र निर्माण में महंगा सिलेंडर खरीद कर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए स्मृति ईरानी पर तंज कसा है जिसमें वो सिलेंडर का दाम बढ़ने पर कांग्रेस की सरकार पर हमला बोला था। सुप्रिया सिनेत ने तंज कसते हुए लिखा, कोई तो जनहित में लापता की रिपोर्ट दर्ज कराओ भाई, मैडम गुम हो गई है। वहीं कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर BJP पर तंज कसते हुए लिखा, जब LPG सिलेंडर का दाम 400 रुपए से कम था तब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ गई थी, आज सिलेंडर का दाम 1100 रुपए से ज्यादा हो गया, क्या आज भी सड़क पर उतरेंगी? वहीं कांग्रेस नेत्री नेट्टा डिसूजा ने लिखा कि होली से पहले मोदी सरकार ने जो जनता को महंगाई का गिफ्ट दिया, क्या उसके खिलाफ स्मृति ईरानी जी सड़कों पर उतरेंगी? महिलाओं को घर चलाने में हो रही परेशानी के खिलाफ स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से सवाल करेंगी? आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब भी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होती थी तो स्मृति ईरानी इसके विरोध में सड़क पर आ जाती थी, तो कभी इसके विरोध में प्रदर्शन करने की धमकी देती थी। आइए आपको उनकी एक पुरानी वीडियो दिखाते हैं। अभी अभी LPG के रेट्स को बढ़ाया गया है, अब LPG के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। LPG के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। तो सुना आपने स्मृति ईरानी ने उस समय क्या कुछ कहा था। अब BJP के इन्हीं सारे नेताओं के वीडियो निकालकर कांग्रेस नेता उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर हमला करते हुए लिखा, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 350 रुपए बढ़ा, जनता पूछ रही है अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के ये फरमान।
मोदी सरकार लागू कमर तोड़ महंगाई के तले पिसता हर इंसान। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ होली से ठीक पहले गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर आम जनता की जेब पर सरकार ने बोझ और बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष भी इस मुद्दे को खूब भुना रहा है और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। लेकिन सच पूछिए तो रसोई गैस की बढ़ी कीमत ने रोज कमाने खाने वाले मजदूर वर्ग की जेब पर एक अतिरिक्त भार तो बढ़ा ही दिया है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने होली और दिवाली पर एक एक मुफ्त सिलेंडर देने की बात जो कही थी वो तो हुआ नहीं, उल्टे गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ा दिए गए। इस फैसले पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। 50 से बढ़े कितना असर पड़ेगा बजट पे? किचन पे मतलब बजट पे बहुत असर पड़ेगा, इससे सरकार को थोड़ा कम करना चाहिए बजट और मतलब हमारे घरेलू इसमें भी कमी होगा, परेशानी बढ़ेगी इस तरह से दाम बढ़ने। हाँ परेशानी पड़ेगी हमारी। मोदी जी को बजट इतना उन्होंने महंगाई कर दी है कि हमारे बजट से बाहर हो गया है। सिलेंडर के दाम में आज सुबह 50 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं, 1100 रुपये हो गए। किचन का जो बजट है उस पर कितना असर पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा भैया, हमें तो जो घरेलू औरतें उनको तो सिलेंडर से बहुत फर्क पड़ेगा, खाना वाना सब उसी पर बनता है, बहुत डिपेंड करेगा। किचन का बजट कितना बिगड़ेगा इससे? बिगड़ ही रहा है जब से सिलेंडर बढ़ रहा है भैया, हर बार तो बढ़ा देते हैं, कभी 50 कभी 100 कभी इतने बढ़ा दिए, कम तो करते नहीं है, सिर्फ पेपरों में आता कि कम हो रहे, असलियत में कभी कमी नहीं हुए, कहाँ कम हुए। आप एक महिला हैं, घर का खर्चा संभालती हैं, घर के खर्चे पर कैसे पड़ेगा? जो बचत होगी वो भी कम होगी? बिल्कुल कम होगी, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। जिसकी घर में ज्यादा मेंबर सिलेंडर दो भी लग जाते हैं, फर्क तो पड़ेगा भैया, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। सरकार से क्या करते हैं? सरकार को दाम घटाने चाहिए किचन के तो, और क्या, किचन की गैस सिलेंडर के तो कम करने चाहिए ना, बिल्कुल करने चाहिए, सभी का बेनिफिट है भैया उसमें, तो सबका होना चाहिए। घरेलू सिलेंडर पर घर खर्च पर कितना असर पड़ेगा, कितना किचन का बजट पड़ेगा? भैया बहुत असर पड़ेगा, आमदनी इतनी है नहीं है, कारोबार भी बंद है, सब परेशान में है, जिनकी नौकरी है उनकी भी चली गई है, और कोरोना के चक्कर में कुछ भी नहीं है आजकल, और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर बढ़ गया 50 रुपये, इतनी परेशानी होगी कि हम लोग तो सोच रहे हैं दोबारा से अंगीठी ले आए वही जला लें, चूल्हा जला लें वो अच्छा है, गैस जो है हम सब जो है दे दें उनको, सरकार को ही दे दें। पब्लिक के लिए बहुत नुकसान वाली बात है, इससे आम आदमी जो है जनता पिसती है, बहुत महंगाई होती जा रही है। आज से यही कोई साल डेढ़ साल पहले ये सिलेंडर 450 रुपये का मिलता था, और ये देखो ये जब से ये सरकारें आई हैं, राजनीतियां कर रही हैं, बहुत महंगाई करती जा रही है, आए दिन पेट्रोल महंगा, सीएनजी महंगा, हर चीज़ ये चीज़ महंगी करती जा रही है, एलपीजी गैस महंगी होगी, अब देखो इससे पब्लिक कितना दबाव आएगा। किचन के बजट पे कितना बहुत असर पड़ेगा जी, उससे सारा घर का घरेलू सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा।